नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा ये अगला वीडियो है एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स। ये हायर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक होता है जो एमएससी लेवल का होता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स, हमारे प्रीवियस वीडियोज में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज हम देखेंगे एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स। तो जब हम हैमिल्टन जैकोबी प्रोसीजर को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने का मतलब जब हम हैमिल्टन और जैकोबी के मेथड को हम एक जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, और वो जनरल फॉर्म ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई सिस्टम पीरियोडिक मोशन करता है तो पीरियोडिक मोशन के प्रॉब्लम के सोल्यूशन को यदि हमें फाइंड करना होता है तो उस केस में हम हैमिल्टन जैकोबी प्रोसीजर को एक्सटेंड करते हैं। इसमें इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी सिस्टम के मोशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन है, अगर हम कंप्लीट सोल्यूशन नहीं फाइंड करते हैं इसके बाद भी हम हैमिल्टन जैकोबी प्रोसीजर के थ्रू हम पीरियोडिक मोशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम एक वेरिएबल्स लेते हैं अल्फा जे। अल्फा जे को हम न्यू मोमेंटम की तरह यूज नहीं करते बल्कि इसकी जगह एक हम सुटेबल कांस्टेंट जे जे को हम यूज करते हैं। एक्चुअल में अल्फा जे की वैल्यू एक तरह की हैमिल्टोनियन की इक्वल होता है, लेकिन अल्फा जे की डिफरेंट वैल्यू होती है। ये एक इंटीग्रल वेरिएबल्स का एक ग्रुप होता है, लेकिन हम इसकी जगह हम एक न्यू कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम जे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो जे जे है ये अल्फा आई जे, ये दोस्तों अल्फा जे के बाद जो एपोस्ट्रॉफी एस लिखा है इसका मतलब अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर एंड सो ऑन अल्फा एन तक, तो उसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं अल्फा जे और एपोस्ट्रॉफी एस के साथ। तो इसका एक फंक्शन होता है और ये एक इंडिपेंडेंट सेट होता है अल्फा जे का, जिसको हम जे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी जे जे को हम एक्शन वेरिएबल कहते हैं। एक्शन वेरिएबल क्या है, हमने लिस्ट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अकाउंट में देखा है लीस्ट एक्शन में कि जब कोई पार्टिकल या सिस्टम मूव करना स्टार्ट होता है तो उसको हम बिहेव मानते हैं कि जैसे वो एक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जे जे का यूज करते हैं जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम एक्शन वेरिएबल कहते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हैमिल्टन जैकोबी का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सेपरेट वेरिएबल्स के फॉर्म में हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये पीजे, पीजे जो है ये कैनोनिकल मोमेंटम होता है, डेल ओमेगा अपॉन डेल क्यू जे, क्यू वन, फिर ये अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन, यहां पे अल्फा वैल्यू को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, क्योंकि ये दोस्तों हायर फिजिक्स है, इसमें कई सारी वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद एज ए सोल्यूशन लिखा जाता है, तो ये जो ओमेगा है ये हैमिल्टोनियन ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू होती है, तो इसको हम पीजे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब हम डिफाइन करेंगे फेज इंटीग्रल। फेज इंटीग्रल को हम एक्शन वेरिएबल कॉन्जुगेट वैल्यू भी कहते हैं, और ये वैल्यूज होती है क्यू जे की। हम जानते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो हम एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं तो जे जे इक्वल टू होता है लाइन इंटीग्रेशन पी जे डी क्यू जे। ये जो क्यू है ये दोस्तों कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट कहलाता है ये, और जो पी जे है ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट कहलाता है, जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म हो सकता है। यहां जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट पीरियड को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई ओसिलेशन होता है, जब पार्टिकल ओसिलेट करता है या रोटेशन साइकिल में होता है तो कंप्लीट पीरियड को ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। अब दोस्तों हम इक्वेशन सेकंड को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि एक्शन है, जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन में हम देख चुके हैं कि वहां पे ए इक्वल टू होता है पी आई डी क्यू जे। दोस्तों इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि अगर क्यूजे वैल्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा और इसका कॉन्जुगेट मोमेंटम पीजे होगा,
तब ये जो कॉन्जुगेट मोमेंटम है ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, और यहां हम इसको लिख सकते हैं जे जे इक्वल टू टू पाई पी जे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम जीरो से टू पाई के बीच में कर सकते हैं। जो ये क्यू जे है ये पोजिशन कोऑर्डिनेट कहलाता है, और चूंकि ये रोटेशन कर रहा है तो रोटेशन पीरियड में इसको जीरो से टू पाई तक हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब इसको जीरो से टू पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये शॉर्टकट में इसको हम बता सकते हैं कि जे जे इक्वल टू हो जाएगा टू पाई पी जे। अब दोस्तों ये लीस्ट एक्शन से ये हम देख चुके हैं ए इक्वल टू ये होता है। जब इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करें कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जे जे की वैल्यू वही होती है जो एक्शन की वैल्यू होती है। दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि हम जे जे को एक्शन वेरिएबल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं एक्शन वेरिएबल जे जे को क्योंकि ये एक्शन के फॉर्मूले के बिल्कुल अकॉर्डिंग होता है। अब दोस्तों इक्वेशन सेकंड को हम जे जे की वैल्यू को कुछ इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी भी देखा डेल ओमेगा पान डेल क्यू जे, क्यू जे पोजिशन कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ये जो है एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ क्यू जे जो है एक वेरिएबल है जो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको पोजिशन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और प्रत्येक एक्शन वेरिएबल जे जे के लिए जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन एक कांस्टेंट होगा, ये एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा जे जे इक्वल टू जे जे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, ये जो है इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि यदि इसको हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो अल्फा जे की वैल्यू कुछ इस तरह से भी हो सकती है, जहां जे इक्वल टू हो सकता है वन टू थ्री फोर, तो ये हो गया जे वन जे टू जे एन, मतलब वन करेंगे तो यहाँ अल्फा वन फर्स्ट जे वन के लिए, फिर अल्फा टू सेकंड जे टू के लिए। तो इस तरह से वैल्यू ये हम सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत काफी टिपिकल होता है इसको एक्सप्लेन करना, ये हमें तभी समझ में आता है जबकि पूरा क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट मालूम हो तभी हम इसको क्लियर समझ पाते हैं। अब ये जो अल्फा जे की वैल्यू है ये रिलेट करता है हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन से, ओमेगा को हम हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन भी कहते हैं, और ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्यू वन क्यू एन ये जे वन जे एन से रिलेट करता है। मतलब जो हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये पोजिशन कोऑर्डिनेट क्यू और ये जे जे जिसको हम एक्शन वेरिएबल्स कहते हैं इस पे डिपेंड करता है। ये जो हैमिल्टोनियन है ये जे जे का फंक्शन हो सकता है, तो यहां से हम सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि H इक्वल टू अल्फा आई, मैंने अभी डिस्कस किया था कि अल्फा वन जो है एक हैमिल्टोनियन को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जे वन जे टू जे एन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये तरह से दोस्तों ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट कॉन्जुगेट होता है जे जे वैल्यू, जिसको हम एंगल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। अब ओमेगा जे जो कि हैमिल्टन वैल्यूज होती है, अभी अभी हमने देखा कि ये जो है हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ओमेगा जे इक्वल टू डेल ओमेगा डेल जे जे क्यू जे और अल्फा जे, दोनों पर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर जे जे जो है इसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होता है, हमने अभी अभी बताया कि एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है और ये कोऑर्डिनेट कॉन्जुगेट भी होता है, इसलिए इसको हम एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं दोस्तों तो वहां पर भी डेल एक्स डेल पी का एक रिलेशन होता है, एक डेल फाई और डेल जे का रिलेशन होता है, इसमें एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जे जे हो गया और इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ते हैं डेल थीटा इंटू डेल जे ग्रेटर देन एच क्रॉस अपॉन टू, तो डेल जे जो है एंगुलर मोमेंटम है और इसका जो कॉन्जुगेट वैल्यू डेल थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से जे जे का जो कॉन्जुगेट वैल्यू होगा उसको हम एंगल वेरिएबल्स कहते हैं। अब हम एंगल वेरिएबल्स के मोशन के लिए इक्वेशन देखते हैं, तो हमने अभी अभी देखा कि जो हैमिल्टनियन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है उसको हम इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसका सलूशन दोस्तों ये हो सकता है जहां पर बीटा जे ये इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है और भी जे जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है, ये रोटेटरी मोशन करता है, रोटेट करता है,
तो उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है और उसके जो लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है उन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन होता है। तो इस तरह से दोस्तों भीजे जो है ये एक एक्शन वेरिएबल के फंक्शन का एक कांस्टेंट का सेट होता है, और हम इक्वेशन 5 और 7 को यदि हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो QJ जिसमें से एंगुलर मोमेंटम और ये β1 और टाइम पर भी डिपेंड करेगा। बीटा क्या है दोस्तों, अभी अभी हमने आपको यहाँ पे देखा कि बीटा जो है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। दोस्तों अगर क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन है तभी ये चीजें क्लियर हो पाती हैं, क्योंकि ये काफी टिपिकल फिजिक्स पार्ट होता है। अब हम देखेंगे इसका कुछ एडवांटेज है और कुछ इसका यूजेज है। तो हम ये देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन की हम फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स के थ्रू। इसमें हम किसी भी पार्टिकल के मोशन के इक्वेशन को हम नहीं भी सॉल्व करते तब भी हम एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स के थ्रू हम डायरेक्ट पीरियोडिक मोशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि एक्शन एंगल कोऑर्डिनेट जो है ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट का एक सेट होता है जिसका हम इंटीग्रेबल सिस्टम को सॉल्व करने में यूज करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने अभी भी देखा एक्शन फेज इंटीग्रेशन एंड एंगल वेरिएबल्स। इसका जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एडवांटेज है एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स का कि इसके थ्रू हम किसी भी पीरियोडिक मोशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। हम उस सिस्टम के मोशन को कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे तब भी हम उसके फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम आगे देखेंगे कि भीजे इक्वल टू ओमेगा जे होगा, क्योंकि ये पार्ट एक डिफरेंट टॉपिक का हो जाता है इसलिए इसको हमने यहाँ पे डिराइव नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भीजे है जो कि यहाँ पे जनरल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो भीजे की वैल्यू दी हुई है, ये जो वीजे की वैल्यू दी है, तो हम आगे चल के देखेंगे कि वीजे की वैल्यू और ओमेगा जे की वैल्यू दोनों सिमिलर हो जाता है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। और यहां से प्रूफ होता है कि हम किसी भी मोशन के सिस्टम के मोशन को यदि हम सॉल्व नहीं करते तब भी पीरियोडिक मोशन की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया एंगल एंड फेज वेरिएबल्स। ये काफी टिपिकल फिजिक्स होता है, ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। जब पूरा क्लासिकल फिजिक्स क्लियर होगा तभी जाके ये चीजें क्लियर होती हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।